क्वेश्चन नंबर सेकंड तक किया था, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। होपफुली आप लोग ने सब फॉर्मुलेस भी लर्न कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। अच्छा, इसको निकालने से पहले एक चीज याद रखना, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि मेजर ऑफ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री, राइट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। सिर्फ यही फॉर्मूले से हम फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमको सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, हमको मालूम है। तो चलो ऐड कर दो, एक्स प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। यानी यहाँ पर 1 2 3 4, फोर एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, तो ये चारों एक्सटीरियर एंगल का सम मस्ट बी इक्वल टू, आप करोगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स प्लस अगेन 100 प्लस 110, 210, 210 प्लस 90 दैट इज 300 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 360 माइनस 300, विच इज x इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो आपका x आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाओगे। कॉपी में आप कैसे लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, रफ डायग्राम बनाना बेटा, बहुत ज्यादा स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ से रफली आप डायग्राम बनाना। उसके बाद ऐसा लिखना है यहाँ पर, सिंस सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, तो देयरफॉर इस टाइप से आप यहाँ पर कॉपी में क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगेन सेम एक्सटीरियर एंगल है, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो आप एक्स निकाल लोगे, ठीक है। चलो हम थर्ड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया है, यहाँ पर पूरे के पूरे इंटीरियर एंगल है, और बेटा इंटीरियर एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना हमने सीखा है, ठीक है। अगर हमको कोई भी पॉलीगॉन दिया है तो आप सबसे पहले साइड्स गिन लो, 1 2 3 4 साइड्स है, ठीक है। तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला देखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, राइट, दैट इज नथिंग बट एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। वॉट इज एन, एन इज अ नंबर ऑफ साइड। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ साइड है इस पॉलीगॉन में, 1 2 3 4, तो फोर साइड है, यानी एन फोर है। तो पुट करो जस्ट फॉर्मूले में, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम, तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ऑलवेज, पॉलीगॉन विथ साइड 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी पॉलीगॉन जिसका साइड 4 होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आप लोग याद रखना। जैसे ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये मैंने निकाल लिया। अब बेटा देखो ये इंटीरियर एंगल का सम है 360, तो एक काम करो ये सारे इंटीरियर को एंगल्स को ऐड कर दो, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 50, या एक काम करते हैं ऐसा लिखते हैं एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 90 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। तो बताओ कितना हो जाएगा,
एक्स प्लस 90 90 180, 180 प्लस 22, 180 प्लस 2200, 200 प्लस 30 230 मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगेन बताओ एक्स कितना आ जाएगा, 360 माइनस 230, विच इज एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स आपका कितना आ गया, 130 डिग्री। सो दैट इज योर आंसर। सो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा कि हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब देखो हेक्सागोन बोला है तो आपको मालूम है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है हेक्सागोन की कितनी होती है, 6 होती है, राइट। तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो अब बताओ आप अगर मुझे निकालना है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 180 डिग्री। That is equal to 720 degree. ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो वही वही फॉर्मुले हैं, हम कंटिन्यूसली उन्हीं फॉर्मुले को यूज कर करके क्वेश्चन बनाएंगे। रीड आउट क्वेश्चन नंबर 5। अ क्वाड्रिलेटरल हैज इट्स ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स इक्वल है। अगेन आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल है, यानी चारों एंगल एक्स है और वो क्वाड्रिलेटरल है, तो तुम बताओ उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन में निकाला था, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है, यानी सारे एंगल एक्स है। तो आप लोग ये क्वेश्चन बनाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ मेजर 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल आर आल्सो इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस टू एंगल। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन बता दूंगा तो 5th और आसानी से बन जाएगा आपसे। ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज मेजर 80 डिग्री। अच्छा देखो याद रखो, कभी भी जब क्वाड्रेटर बोल रहा है, यानी कि वो 4 लाइन सेगमेंट वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 4 लाइन सेगमेंट है, बोला है ईच ऑफ इट्स इक्वल एंगल। मान के चलो हम ये दोनों एंगल को इक्वल ले लेते हैं, अगर ये एंगल 80 डिग्री है, या तो एक काम करते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी मान सकते हो। इसको मैंने 80 डिग्री मान लिया और ये दोनों एंगल को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, लेट इट बी एक्स, ठीक है, क्योंकि वो बोला है द अदर टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अगर अदर टू एंगल भी इक्वल है, तो उसको मैं सपोज करो एक्स ले लिया, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, तो हमको इसका मेजर निकालना। अब आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, लिख सकते हो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज थ्री टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। नाउ अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज थ्री टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। तो बेटा देखो, हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला है उसको वन बाय वन करके निकालते जाओ। पहले बोला है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन, तो अगर बताओ आप लोग मुझे, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर सेवन, तो अगर वो बोला है कि फाइव साइडेड पॉलीगॉन, फाइव साइडेड यानी बताओ नंबर ऑफ साइड कितना दिया हमको साइड, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा। Each interior angle आ जाएगा n माइनस टू इंटू 180, विच इज इक्वल टू 7 माइनस टू इंटू 180, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 180। तो जस्ट करो मल्टीप्लाई 5 इंटू 180, तो 5 जीरो जा 0, 5 एट जा 40 का 0, 4, 5 वन जा 5 एंड 900। तो बताओ कितना आ गया ये आपका 900। वही बोला था प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज थ्री टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ साइड्स हमको मालूम है सेवन है, इंटीरियर एंगल का मैंने सम निकाल दिया यहाँ पर। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, हाँ पार्डन, क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर सेवन कर रहे थे एक्चुअल में, वो बोल रहा था इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन का मतलब ईच इंटीरियर एंगल निकालना है बेटा। तो देखो n इज इक्वल टू 7 दिया है ना, तो आप सबसे पहले मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल दो, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल दो। क्यों? क्योंकि एक बार मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया तो फिर मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आराम से निकल जाएगा। हमको एक एंगल निकालना है, सम निकालने नहीं बोल रहा है वो क्वेश्चन में, एक्चुअल में एक एंगल निकालने बोला है। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, दैट इज इक्वल टू 360 बाय n, दैट इज अ फॉर्मूला राइट। अच्छा रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन बोला है, तो n हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है रेगुलर फाइव साइड, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 360 अपॉन 5 कैंसिल कर लो, 5 7 जा 35 अगेन 1, 5 2 जा 10, ठीक है तो ये आ रहा है हमारा 72 डिग्री। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आ रहा है 72 डिग्री, तो बताओ देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा। ये हमने ऊपर किया है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, तो ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपको, जस्ट इसको 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 72, तो 180 माइनस 70 करोगे तो 110 बचेगा इंटू 2 यानी कि 108 डिग्री। ठीक है, तो डेट इज आंसर। नाउ ईच इंटीरियर एंगल निकला है अभी, अब उसके बाद हमको डेकागॉन के बारे में कुछ बोला है, एक बार चेक कर लेना जस्ट अ मिनट। हाँ अब देखो लो क्या बोला है, प्रूव दैट द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर फाइव साइडेड पॉलीगॉन इज थ्री टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन। अब देखो बेटा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागॉन, तो इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, आपको अच्छे से ही बताता हूँ। नो केस नंबर टू, दिस इज केस नंबर वन, एंटायर जो हमने सॉल्व किया दैट इज योर केस नंबर वन। अब केस नंबर टू में हमको क्या करना होगा, डेकागॉन बोला है, यानी डेकागॉन बोला है तो बताओ, डेकागॉन बोला है यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हो गए 10, तो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने बोला है, तो ईजी है बताओ, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल जाएगा, दैट इज 360 अपॉन n, तो विच इज इक्वल टू 360 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये निकल गया ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करने बोला था बेटा, हमको ये प्रूफ करना है बोला था कि प्रूव दैट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ फाइव साइडेड पॉलीगॉन यानी कि पेंटागॉन, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज थ्री टाइम्स
ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागॉन। तो देखो हमने क्या प्रूफ कर पाया, यानी कि एलएचएस में बोला था कि आपका जो ईच इंटीरियर एंगल है कितना 108 मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागॉन। तो करो, अगर हम 3 × 36 करते हैं तो 3 6 18, 1 3 3 9 and 1 10 आ रहा है देखो। तो देयर फॉर हम लिख सकते हैं, देयर फॉर 108 इज 3 टाइम्स ऑफ 36 डिग्री, हेंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पेंटागॉन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो पेंटागॉन का ईच एक्सटीरियर एंगल है दैट इज 108, ईच मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन। तो ये प्रूव करने बोला था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट डाउन करना और एक बार और बना लेना। मेरा सजेशन है कि रफ कॉपी में आप एक बार इसको और बना लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है, द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। बेटा आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। आपको मालूम है, आपने 7th क्लास से सीखा होगा कि जब भी रेशियोज में कुछ चीज दी जाती है तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ एज्यूम कर लेना, लेट द फर्स्ट एंगल बी 1x, सेकेंड एंगल भी 2x, थर्ड एंगल भी 3x एंड फोर्थ एंगल भी 4x। तो सारे एंगल का सम करना है क्योंकि क्वाड्रेटरल है, तो मस्ट बी इक्वल टू 360 करोगे तो आपको सारे एंगल्स निकल जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी तो सारे एंगल्स निकल जाएंगे, तो वो आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। अब हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हम करते हैं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हमको निकालना है और हमको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल दिया है। ठीक है, हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर, तो एक्सटीरियर एंगल दिया है, रेशियो में दिया है 1:8, 1:5, तो हमेशा रेशियो को एक्स एज्यूम करते हैं अपन। तो एक्सटीरियर एंगल दिया है 1, तो हम उसको 1x ले लेते हैं, और इंटीरियर एंगल दिया है 5, यानी कि हम उसको 5x एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया x और इंटीरियर एंगल हो गया 5x। नाउ आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने बोला है, तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकालेंगे बताओ एनीवन। अब पहले तो रिलेशन सोचो दिमाग में कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रिलेशन क्या है। तो आपको मालूम है ईच इंटीरियर एंगल, या तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं नीचे ना लिख के, कि आपको मालूम है कि इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल होता है। कभी भी हमको अगर इंटीरियर एंगल निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, इट इज 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से पहले आप एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकाल लो, इंटीरियर एंगल है 5x मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लाओ, 5x प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 6x मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ जाएगा 180 बाय 6, तो 6 3 18 0, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। x आपका कितना आ रहा है 30 डिग्री। अब देखो बेटा, एक बार हमने x निकाल लिया ना, x निकाल लिया तो अब हमारा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, x आ गया 30 डिग्री, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, बताओ इंटीरियर एंगल कितना था हमारे पास 5x का मतलब 5 into 30, x की वैल्यू 30 हमने अभी निकाली, तो कितना हो जाएगा
150 डिग्री, और वैसे ही ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी वैसे ही ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स, विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने बोला था, आपको मालूम है नंबर ऑफ साइड्स, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 360 अपॉन एन होता है. तो बताओ एक्सटीरियर एंगल कितना निकला है हमारा, एक्सटीरियर एंगल निकला है 30 मस्ट बी इक्वल टू 360 बाय एन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 30, कैंसिल करो, 3 1 3, 3 2 6. तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स हमारा कितना आ गया, सो दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट. तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चंस हम किए हैं, और उसको एक बार और दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर की स्टार्टिंग है, नया चैप्टर है, तो शायद आपके लिए चीजें नई होंगी, तो आपको इसको प्रैक्टिस करके एक बार घर पे देखना पड़ेगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से आगे के क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आए. तो चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं.